बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसक में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो जाने के बाद पंजाब भाजपा की तरफ से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां विभिन्न चौकों व चौराहों पर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की तरफ से भी अपने दफ्तर में बैठकर टीएमसी के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। बंगाल चुनावों तो बाद जिस प्रकार हिंसा का दौर बंगाल चलिया है और बीजेपी नू दे नौ कार्यकर्ताओं का दी हत्या उत्थे कीती गई है, इनू लैके अज पूरे देश दे अंदर भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वह कोरोना दे नियमों का ध्यान रखते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है। इहदे ही तहत अज पंजाब दे अंदर भी सब मंडलों के अंदर अपने कार्यकर्ता पांच पांच की संख्या के अंदर रोष प्रकट करने लई धरना दे रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हत्यावां दी हिंसा दी आगजनी दी कोई स्थान नहीं है। बंगाल के अंदर चुनावों तो बाद जिस प्रकार पार्टी के ऑफिसों नूं जलाया जा रहा है, महिलावां नहीं बख्शियां जा रही, कार्यकर्ताओं दीयां हत्या हो रही हैं, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र नूं शर्मसार करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान के उत्ते अज इहदे प्रति अपना रोष प्रकट कर रही है और इन्हां घटना की निंदा करती है। चुनाव के अंदर लोग अपने मत के द्वारा तय करते हैं कि कौन सरकार च आएगा कौन सरकार च नहीं आएगा। उहदे परिणाम तो बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ममता जी को मुबारकबाद देती, एक परंपरा है और बाकी नेतावान ने भी शुभकामनावां दित्तियां। लेकिन ममता जिस प्रकार का व्यवहार टीएमसी के गुंडे उत्थे कर रहे ने ये असहनीय है और भारतीय जनता पार्टी दे बंगाल दे कार्यकर्ताओं का बलिदान जड़ा है वो खाली नहीं जाएगा। इस गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी हिंदुस्तान दे किसी भी प्रांत च रहन वाला बीजेपी का हर वर्कर जड़ा बंगाल दे भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्ताओं दे नाल खड़ा है और ये संदेश देने अज धरना जड़ा दिता जा रहा है। और ममता सरकार नू हुण तां उन्होंने शब्द भी ग्रहण कर ली है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अमन शांति और सुरक्षा देना उन्हां दी मुढ़ली जिम्मेवारी होनी चाहिए है। और ये हत्यावां दा दौर आगजनी दा दौर तोड़फोड़ दा जोर दौर जड़ा वो बंद होए ये संदेश देने लई अज असीं धरने ते बैठे हाँ। मैं भी कार्यकर्ताओं के नाल ही बैठना सी लेकिन क्योंकि मेरे परिवार के दो साडे बेटे जड़े ने वो कल पॉजिटिव आ गए, इस करके मर्यादावां दा ध्यान रखते हुए मैं कल्ला ही जड़ा है 11 बजे तो लैके 12 बजे तक जड़ा आपां ये रोष धरना दे रहे हैं। मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के ही ये धरना दिता है और अज पंजाब के हर कोने च धरना दिता जाएगा जा रहा है। जिथे एक पासे असी कोरोना नाल लड़ रहे हैं उन्हां सारियां मर्यादावां दा ध्यान करते हुए अपना कार्यकर्ता सेवा काम च भी लगा है, चाहे सैनिटाइजर बंडना होए, चाहे फेस कवर बंडना होए, चाहे टीकाकरण करवाना होए, पंजाब के लोगों की सेवा कर रहा है। लेकिन बंगाल च जो कुछ होया उन्हूं देखने तो बाद चुप नहीं रहा जा सकता सी, इस करके ये अज धरना जिहड़ा वो चल रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।